सर्वोदय नमस्कार स्टूडेंट, आई रोहित कुमार गोइंग टू मूव ऑन योर टॉपिक. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ टीथ वेयर वी टॉक अबाउट द इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ईच टूथ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स. हर एक टीथ को दो बेसिक पार्ट्स में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज क्राउन एंड सेकेंड वन इज रूट. उसमें से पहला जो है वो क्राउन है और दूसरा जो है वो रूट है. तो क्राउन क्या होता है? द क्राउन इज द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ विच कैन बी सी. हम लोग जिसको देख पाते हैं, जो वाइट पार्ट को हम लोग देख पाते हैं, वो क्राउन कहलाता है. क्राउन ऑफ टूथ इज कवर्ड विद इनैमल. क्राउन ऑफ टूथ जो है वो इनैमल से कवर्ड होता है. इनैमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी. इनैमल वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है. इट इज हार्डर दैन बोन एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द टूथ. वो क्या होता है, बोन से भी हार्डर होता है और हमारे बॉडी के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट, जैसे बोन्स हमारे बॉडी के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, वैसे वो मतलब टूथ को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है. ठीक है ना? तो उसके अंदर दो चीज और पाया जाता है. फर्स्ट वन इज डेंटाइन और सेकेंड वन इज पल. डेंटाइन मेक अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ. डेंटाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कहलाता है. इट इज प्रेजेंट बिलो द इनैमल. वो इनैमल के नीचे प्रेजेंट होता है. डेंटाइन इज नॉट एज हार्ड एज इनैमल. इनैमल की तरह वो हार्ड नहीं होता. नाउ सेकंड वन इज पल. इनसाइड द डेंटाइन एट द सेंटर ऑफ द टूथ इज अ सॉफ्ट पोर्शन कॉल्ड द पल. डेंटाइन के नीचे जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उसे हम लोग पल्प कहते हैं. द पल्प कंटेन्स द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. पल्प जो है वो ब्लड वेसल और नर्व्स कंटेन करता है. When we eat something very hot or very cold, the nerves in the pulp send signals to the brain to feel the heat or cold. अगर हम लोग कोई भी चीज गर्म और ठंड खाते हैं तो ये ब्रेन के पास जो नर्व्स को सिग्नल जो ट्रांसफर करता है दांत का पार्ट, उसे हम लोग पल्प कहते हैं. Now second one is root. The root is the part of the tooth which we cannot see. Root वो पार्ट है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं. एवरी टूथ हैज सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड गम्स. सारे टूथ के पास सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको गम्स बोलते हैं. प्रेजेंट अराउंड इट्स बेस, जो कि बेस के पास प्रेजेंट होता है. द रूट ऑफ द टीथ आर प्रेजेंट बिलो द गम्स एंड हेंस कैन नॉट बी सीन. इसलिए रूट जो है वो गम्स के पास मतलब जॉ में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग को नहीं दिखता. द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द टीथ इज टू होल्ड द टीथ फर्मली इन द जॉ बोन. जो मेन फंक्शन है रूट का वो क्या करता है, रूट का मेन फंक्शन है टीथ को होल्ड करके रखना जॉ बोन से, है ना. अ ग्लू लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सीमेंटम कवर्ड द रूट ऑफ टीथ. जो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है हमारे टीथ में जिसको सीमेंटम बोलते हैं, वो रूट ऑफ टीथ को पकड़े रखने में हेल्प करता है. सीमेंटम हेल्प्स टू फिक्स द टीथ टू द जॉ बोन. और सीमेंटम के हेल्प से ही जॉ बोन में टीथ क्या होता है, अटैच रहता है. नाउ नेक्स्ट वन इज टूथ डिके. टूथ डिके एवरी टाइम वी ईट फूड टाइनी बिट्स ऑफ वुड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ. वेन वी ब्रश आवर टीथ और रिंस आवर माउथ दीज बिट्स ऑफ फूड गेट रिमूव. इफ दिस बिट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव जब स्टार्ट गोइंग ऑन देम. बोल रहा कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल बिट्स ऑफ फूड हमारे दांत में ही रह जाते हैं. अगर हम ब्रश करते हैं तब ठीक है, वो ब्रश करके रिमूव हो जाता है. अगर वो रिमूव नहीं हो जाता तो वो धीरे धीरे जर्म बन जाता है जो कि टूथ डीके का कारण बनता है. अब टूथ डीके है क्या, तो टूथ डीके को हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ टीथ. टीथ का खराब होना ही मीनिंग है टूथ डीके का. ठीक है ना. इफ टीथ आर नॉट केप्ट क्लीन दे कैन डीके. टूथ डीके इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर बाय द ग्रोथ ऑफ जर्म्स ऑन द टूथ. टूथ डीके को हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर बोलते हैं बिकॉज ऑफ जर्म्स ग्रो इन आवर टीथ. जब हम लोग का जर्म्स ग्रो करने लगेगा टीथ में तो जाहिर सी बात है वो टीथ को क्या करेगा, खोखला कर देगा, जिससे कि हमारा दांत खराब हो सकता है. नाउ जर्म्स ग्रो ऑन टीथ एंड फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्ले. जर्म्स जो है वो थिन स्टिकी लेयर बना देता है हमारे टीथ पे जिसको हम लोग प्लेक बोलते हैं. और प्लेक क्या करता है, जो ज़्यादा मीठा खाता है उस शुगर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है और एसिड धीरे धीरे क्या करता है हमारे दांत को खोखला बना देता है. और वो एसिड धीरे धीरे क्या करता है, हमारे दांत को पहले
स्मॉल होल करता है, फिर वो होल धीरे 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 होल क्या होता है इंक्रीज करने लगता है और उससे क्या होता है दांत खोखला हो जाता है। और वही जो स्मॉल होल एसिड के कारण दांत में बनता है उसे हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो अगर सही टाइम पे उसको दिखवा दिया जाता है डेंटिस्ट से, तो वो डेंटिस्ट क्या करता है उसमें कैविटी को फिल कर देता है, जिससे कि दांत जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब टूथ जो है वो डिके नहीं होता है ना। डेंटिस्ट फिल दिस कैविटीज एंड सेव टीथ फ्रॉम डिकेइंग। डेंटिस्ट क्या करता है कैविटी को फिल करके उसको डिके होने से बचाता है। नाउ केयरिंग फॉर आवर टीथ वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। सर्वोदय। नमस्कार।